आगे बढ़ते हैं। आज दोपहर 2 बजे मातोश्री में बैठक होने वाली है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का उद्धव गुट को एक बड़ा झटका, सिंबल और शिवसेना नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। उद्धव गुट ने हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है। चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके पुत्र हो आदित्य उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने का जो जिक्र है वो किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सिंबल और साइन को लेकर ईसीआई के पास था और ईसीआई ने इस सिंबल को फ्रीज कर दिया है। और दोनों ही गुट, चाहे वो शिंदे हो या सेना गुट हो, दोनों का है कि आप 3-3 विकल्प लेकर हमारे पास आएंगे। चुनाव आयोग के कब्जे में शिवसेना का सिंबल, 2 दिनों की मोहलत, पार्टी पर किसका हक? असली शिवसेना की रेस में कौन मारेगा बाजी? बाला साहेब ठाकरे की जिस शिवसेना का मुंबई की सियासत पर एक छत्र राज चलता था, अब वही शिवसेना उनके बेटे उद्धव ठाकरे से दूर जाती दिख रही है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट और उद्धव खेमे की लड़ाई में बड़ा फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक शिवसेना नाम और धनुष बाण निशान फ्रीज करने का आदेश दिया है। हालांकि उद्धव गुट का कहना है कि वो चुनाव आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हाईकोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे ना, अगर वो प्रावधान है, क्योंकि कानूनन इलेक्शन कमीशन को कुछ विशेषाधिकार है। लेकिन ये नहीं कि 4 घंटे में निर्णय दे दो। जिस ढंग से देश चल रहा है की तरफ चल रहा है। चुनाव आयोग के फैसले से लगे झटके के बाद उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 2 बजे मातोश्री में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग ने उद्धव और शिंदे गुट को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक नई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प देने को कहा है। हालांकि ये फैसला अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के सिंबल और पार्टी नाम फ्रीज कर देने से सबसे ज्यादा झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा, क्योंकि उपचुनाव में शिंदे गुट के बजाय बीजेपी मैदान में उतरेगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने ट्वीट किया कि बॉक्सिंग देशद्रोहियों ने आज शिव के नाम और प्रतीक को फ्रीज करने का घिनौना और बेशर्म काम किया है। इससे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सच्चाई के पक्ष में हैं, सत्यमेव जयते। हालांकि पार्टी निशान और नाम को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच अभी लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन अंधेरी उपचुनाव से पहले आया फैसला उद्धव के लिए सबसे बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।